हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपा। गर्मी के मौसम चल रहा है। गर्मी के मौसम में वेजिटेबल्स खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। लेकिन आज मैं जिस तरीके से एक वेजिटेबल्स बनाऊंगी, वो जिन लोगों को पसंद भी नहीं है वो लोग भी उंगली चाट के खाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं स्पाइसी ककोड़ा करी। हाँ, ककोड़ा तो थोड़ा बहुत कड़वा रहते हैं, मेरे हिसाब से नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कड़वा कोई कोई लोगों को लगते भी है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से बनाऊंगी उस तरीके से अगर बना लोगे ना, तो जो लोग वेजिटेबल्स पसंद करते हैं वो लोग भी ऐसे उंगलियां चाट के खाएगी, और जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो लोग भी खाएगी खुशी मन से। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं स्पाइसी ककोड़ा करी। लेट्स बिगिन। ककोड़ा करी बनाने के लिए मैंने लिया है ककोड़ा, उसके साथ ही साथ एक मीडियम साइज का ओनियन थिनली स्लाइस किए हुए, एक टमाटर उसको भी बारीक चॉप्ड कर लिया है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट स्वाद अनुसार, हमें चाहिए जीरा, उसके साथ साथ बे लीव्स, रेड चिली एंड ऑब्वियसली रिफाइन ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में ककोड़ा को कट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कट कीजिए, इससे दिखने में अच्छा लगता है। देख लीजिए, ये हमारा कट हो गया है। ऐसे सारे के सारे को कट कर लेती हूँ। देख लीजिए, मैंने सारे ककोड़ा को कट कर लिया है। चलिए अभी कढ़ाई चढ़ाते हैं। देख लीजिए, मैंने पैन चढ़ा दिया है, ऑयल भी डाल दिया। ऑयल को गर्म होने दीजिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो ऐसे वन बाय वन करके ककोड़ा को प्लेस कर दीजिए। ऐड कर देंगे सॉल्ट, ऐड कर दीजिए, और अभी लो फ्लेम में ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इन लोगों को अभी पलट देंगे। देख लीजिए, एक साइड हमारा फ्राई हो गया है, ऐसे पलट दीजिए। देख लीजिए, सारे के सारे को मैंने पलट दिया है। अभी फिर से ढक के 2 मिनट के लिए दूसरे साइड को पका लीजिए। देख लीजिए, ककोड़ा हमारा फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। देख लीजिए, ककोड़ा को मैंने निकाल लिया है। अभी ऐड करूंगी 1 टीस्पून ऑयल। इसी सेम पैन में ऑयल को गर्म होने दीजिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, ऐड कर देंगे रेड चिली, जीरा एंड बे लीव्स। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और अभी ऐड कर देंगे ओनियन, इसको भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना पड़ेगा। ओनियन का कलर चेंज हो गया है, तो अभी ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, मिला देंगे, और 1 मिनट के लिए ऐसे फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए, ओनियन हमारा फ्राई हो गए थे, अभी ऐड कर देंगे टमाटर। और टमाटर को मैशी होने दीजिए, ऐसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाइए। देख लीजिए, टोमेटो एंड ओनियन हमारा पक गया है, तो अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए ककोड़ा को, ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए, ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, मिला देंगे, जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और अभी सारे के सारे को मिला देंगे। बस फिर हाथों से मिला दीजिए,
और अभी ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ऐड कर दीजिए, मिला दीजिए सारे मसाले के साथ साथ। ककोड़ा हमारा पक जाए इसलिए बस पानी ऐड करना है, ऐसे मिला के ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। देख लीजिए ककोड़ा करी हमारा रेडी हो गया है। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए ऐड कर दूंगी फ्रेश क्रीम, इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाते हैं। अगर अवेलेबल है तो ज़रूर ऐड कीजिए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। देख लीजिए मेरा टेस्टी ककोड़ा करी, मेरा टेस्टी ककोड़ा करी अभी रेडी हो गए है। चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। देख लीजिए मेरा टेस्टी ककोड़ा करी अभी रेडी एंड सर्व्ड। कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।